उत्तर प्रदेश चुनाव चर्चा में है। पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ की एक एक खबर पर पूरे देश की नजर है। हर रोज प्रत्येक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, तो आज बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इस पर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सियासी तंज कस दिया है। क्या कहा है अखिलेश यादव ने, सुन लेते हैं एक बार। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवन से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। ये आजकल के जमाने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। नहीं, हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा फैसला लिया। मुझे अभी पत्र नहीं मिला है। फिरोजाबाद हमारा घर है। हाँ, एक गुंजाइश छोड़ सकते हैं। ये ठीक आया सवाल इधर से। हाँ, एक के लिए अभी जरूरत है हमें, क्योंकि अतुल अग्रवाल जी ने पूछा था, इधर से दूसरे अग्रवाल का नाम दे दिया, तो ठीक है।